हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम का खास क्या है, नया क्या है, अभी आपको बता दूं। देखिए, आज हम जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं यानी कैश का लेजर बनाएंगे। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, कैश का लेजर बनाएंगे। कैश का लेजर बनता कैसे है? कैश का लेजर तो बनता ही नहीं है। 90-95% कंडीशन में कैश का लेजर नहीं बनता है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन हैं जिनमें कैश का लेजर बनाया जाता है, उसे हम पेटी कैश के नाम से जानते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बता रखा है, ये सारी बातें बता रखी है। तो चलिए पहले फटाफट हम एंट्री कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर में, कुछ कैश रिसीव करा लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पर आकर रिसिप्ट वाउचर में इसे हमें डबल एंट्री मोड में लेना है। डबल एंट्री मोड में लेना है यानी डेबिट क्रेडिट को चालू करना है। तो ये हमने कर दिया चालू। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल के साथ एच प्रेस कर दीजिए, यहाँ से डबल एंट्री मोड कर दीजिए, बस डेबिट क्रेडिट आने लगेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ कैश रिसीव कराना है। जो कंपनी में फंड रिसीव कराया जाता है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। तो ये कैपिटल अकाउंट कर दिया, कैपिटल अकाउंट करते हुए इसको रिसीव करा लीजिए। फंड कितना है वो यहाँ पे दे दीजिए, तो जो भी फंड है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। कर दिया हमने कैश, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पेटी कैश का एक वाउचर टाइप क्रिएट करना है। वाउचर टाइप कैसे क्रिएट होगा, उससे भी पहले जो एक्सपेंसेस हैं उनके खाते हमें बनाने होंगे, लेजर्स बनाने होंगे। चलते हैं क्रिएट पर, तो ये आ गए क्रिएट पर, और यहां पर लेजर पे आते हैं, लेजर ये आ गए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टी, ठीक है, टी लिख दिया यानी चाय। अब वो बट्टे वाली जो चाय है वो पीने का मन कर रहा है, तो यहां पर अब क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, और यहां पर क्या है, इनवॉइस है, इनवॉइस नोटिस को नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। और भी कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया है, जैसे कुछ और बाहर से खरीदा हो, कंपनी बहुत बड़ी होती है तो सारा काम अकाउंट टू अकाउंट होता है, यानी कि अकाउंट में ही पैसे चले जाते हैं, ठीक है, सारी चीजें अकाउंट टू अकाउंट होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको बाहर से खाने पीने या खरीदने का मन करता है, जो कुछ भी, तो उसको आप मंगाते हैं तो उसको हम पेटी कैश में डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी करना हो तो इसमें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल एक ही रखते हैं और यहां से आ जाते हैं बाहर, ठीक है, बाहर आ गए। अब हमें पेटी कैश का एक बाउचर टाइप बनाना है, तो यहां से क्रिएट पे चले और यहां पर मिलेगा आपको बाउचर टाइप, ये बाउचर टाइप दिख रहा है, बस यहां पर जाइएगा और यहां पर लिख दीजिएगा पेटी कैश, ये लिख दिया पेटी कैश, कुछ इस तरीके से आपको भी लिख देना है पेटी कैश, एंटर करिए, एंटर करिए। यहां पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, ये दिख रहा है आपको, जैसे ही हम पेटी कैश करते हैं नीचे आएंगे तो ये पेमेंट के लिए बना है, पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है, ये पेमेंट सेलेक्ट कर दिया, बस एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, इसको बस एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया, ये हमारा वाउचर टाइप बन गया है, ठीक है। अब हमको जब एंट्री करनी है तो हम इसी में जाकर के एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे कुछ खर्चे हुए हैं और उन खर्चों की एंट्री हमें करनी है, तो कैसे करेंगे एंट्री, आइए समझ लेते हैं। लेजर्स में जाएंगे, ये लेजर्स में आ गए और यहाँ पर एक पेटी कैश का भी खाता बना लेते हैं। तो ये लिखा हमने पेटी कैश, ठीक है, पेटी कैश लिखने के बाद एंटर किया, एंटर किया। अब ये जो पेटी कैश है ये क्या है, इसे हमें कैश इन हैंड में दे दिया जाता है। भाई आपका मन करता है तो आप 500 रुपए ले लीजिए, 500 रुपए आप एक दिन में खर्च कर सकते हैं, जो भी कर्मचारी हैं उनको जो भी चाय बाहर से पीनी है या जो इस तरह की चीजें करती है 500 रुपए में कीजिए, एक लिमिटेशन बना दिया गया, ये 500 नहीं 1000 1500 जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसे कैश इन हैंड के ग्रुप में डाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये कैश इन हैंड आ रहा है, तो इसे डाल दिया हमने कैश इन हैंड में। अब ये पेटी कैश का लेजर भी हो गया क्रिएट, लेकिन अभी इसमें एक चीज रह गया, इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला, तो इसके लिए क्या करना है, इसको दोबारा से अल्टर करना है। तो पेटी कैश को हम अल्टर करेंगे जो लेजर हमने अभी क्रिएट किया है, तो यहाँ पर देखिए ये पेटी कैश वाला लेजर है, यहाँ पर अल्टर करते हुए आएंगे, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे कि कितना ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ मैं 5500 ओपनिंग बैलेंस में कर देता हूँ और इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। अब बाहर आते हैं यहाँ से, अभी हम वाउचर में है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए F5 शॉर्टकट की F5 होती है। अब जैसे ही पेमेंट पे आए तो यहाँ पर आपको पेटी कैश दिखाई पड़ेगा, बस यहाँ पेटी कैश पे आ जाइए। अब आपको यहाँ दिखाई देगा पेटी कैश, तो सबसे पहले हमने टी के लिए किया था, तो टी के लिए हमने मान लीजिए कि 50 रुपए खर्च किए, तो ये 50 रुपए यहाँ डाल दिया हमने, ठीक है। कोई खर्चे हुए हैं आपके, ठीक है, याद दीजिएगा, और भी कोई खर्च हुआ है तो यहाँ DR कीजिए, ठीक है। DR करने के बाद जैसे मान लीजिए कि समोसा, ये लिख दिया मैंने समोसा, यहाँ पे समोसा लिख दिया। अब ये जो है ये क्या होगा, ये किसके अंडर में जाएगा, ये
इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, एंटर किया एक्सेप्ट कराया। अब मान लीजिए कि 40 रुपए का समोसा खा लिया, तो ये हो गया, तो ये दो एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर पेटी कैश का लेजर लगा दीजिए, बस हो गया काम, ठीक है, एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो जाएगा पेटी कैश। इसी तरीके से पेटी कैश को यूज कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। कैश का लेजर नहीं बनता लेकिन पेटी कैश का बनता है, 5% 10% कंडीशंस में पेटी कैश का लेजर बनेगा, ठीक है, लेकिन कैश का लेजर जनरली नहीं बनता।